जोधपुर हो चुका था, अब हम निकल पड़े थे जैसलमेर की तरफ। और सुबह सुबह हम उठ गए, सिर्फ चाय पी हमने और निकल पड़े। रास्ता बहुत अच्छा है, रोड्स आर जस्ट ऑसम हियर। माय फ्रेंड्स हैड रिकमेंडेड दिस मनवर डेजर्ट रिसॉर्ट। इट्स अ प्रीमियम एथनिक रिसॉर्ट लोकेटेड अराउंड 115 किलोमीटर फ्रॉम जोधपुर एज अ स्टॉप ओवर एंड रोड टू जैसलमेर। I found this to be awesome, very beautiful. रुकने के लिए बहुत अच्छी जगह है, वॉशरूम्स naturally are very beautiful. You can use them there and then you can go around the property. बहुत ही खूबसूरत प्रॉपर्टी बनाई है, काफ़ी कमरे हैं यहाँ पे, so I saw some family staying here also, but naturally we had just come for the washroom and for a breakfast. विंटर सन इज जस्ट ऑसम हियर। यहाँ पे बैठ करके आप घंटों गुजार सकते हैं, बहुत ही ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी लगी मुझे तो। एंड देन आफ्टर गोइंग अराउंड वी सैट फॉर ब्रेकफस्ट। ब्रेकफस्ट वॉज ओके, आई फेल्ट इट वॉज नॉट वर्थ द मनी दैट वी पेड। आई थिंक वी पेड अराउंड 1700 फॉर टू पीपल एंड वी डिड नॉट हैव मच ऑल्सो। So you have to be a bit careful when you are having breakfast out there. और नाश्ते के बाद हम फिर निकल पड़े जैसलमेर की तरफ। कौन सा हाईवे है ये? NH 15। Can you see the windmills out there? The Jaisalmer Wind Park is India's second largest and globally the fourth largest operational onshore wind farm. अब हम जैसलमेर एंटर कर रहे हैं। We had started from Jodhpur at around I think 7 AM and we reached around 1 PM. So मनवर से जैसलमेर अराउंड 170 किलोमीटर्स है। नाउ वी हैड टू गो अराउंड 50 किलोमीटर्स इनटू सम सैंड ड्यून्स बिकॉज वी वेयर टू स्टे एट फोर्ट आरण्या। This also seemed to be a beautiful property. बहुत खुली जगह है चारों तरफ मेरे मॉर्निंग वॉक के लिए। As you know, I just love my morning walks. So there are rooms here as well as lot of tents. बहुत ही अच्छी धूप थी लेकिन बहुत तेज़ हवा चल रही थी। And as we both are 50 plus and we did not want to take any risks. COVID time भी चल रहा था, so we opted for rooms. Rooms were beautifully done and after having lunch we went for our desert safari. अगर आपने दुबई में desert safari किया है so ये this is just nothing in front of that. And यहाँ पर आपको बहुत careful रहना पड़ेगा क्योंकि हमने इनसे कहा था driver से कि please drive slow, we are 50 plus and we need to be careful. But nobody listened to us. बहुत तेज़ ड्राइव करते हैं, बहुत rash ड्राइव करते हैं, so आप अपने को बहुत संभाल के रखिएगा। And after that hectic desert safari, we went for a camel ride. This was nice, slow, and बहुत ही अच्छा लग रहा था। Sunset होने वाला था and it was a beautiful sight. Again, things are very commercialized here. They will be all in a hurry, जल्दी से आपको छोड़ना चाहेंगे और छोड़ करके भागना चाहेंगे दूसरी सवारी के लिए। But not to worry, you just relax and enjoy the moment. It is really a very, very beautiful camel ride out there.
After watching the beautiful sunset, we came back to the property, relaxed for some time, and then got ready for the beautiful evening folk dance program. समा इतना सुंदर था, इतना खूबसूरत था कि फॉर सम टाइम पीपल जस्ट फॉरगॉट कोविड एंड देन ऑल गॉट अप एंड स्टार्टेड डांसिंग. आई नो इट वाज अ बिट स्कैरी बट देन दे जस्ट कुडन्ट स्टॉप देमसेल्व्स. इट वाज सो ब्यूटीफुल. We again ensured that we paid good tips to the singer, to the dancer, and to the magician. So I went for my morning walk and then saw some local Namaste people out भैया. there. नमस्ते दीदी. कैसे हैं आप लोग? ठीक है. देखिए अच्छा लग रहा है कि कम से कम कुछ गेस्ट आ रहे हैं. कोरोना टाइम है फिर भी लोग आ रहे हैं. मेरे अभी दो दिन से आ रहे हैं. पहले कुछ में भीड़ नहीं थी. अच्छा 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 अच्छा. तो अभी दो दिन से क्यों? अच्छा ये छुट्टियों का टाइम है इसलिए. हाँ हाँ हाँ. अच्छा तो आपने कैसे इतने दिन फिर गुजारे? इतनी काफी मुश्किल हुई होगी. बहुत मुश्किल काम था. अच्छा तो कैसे फिर आपने किया खाना पीना? कैसे किया फिर? इधर ऐसे कर दिया गांव में लोकल. हाँ भेड़ बकरी होती है. अच्छा गाय. अच्छा और क्या उगाते हैं आप लोग खेत में? खेती होती नहीं है. अच्छा तो खाना कैसे खाते हैं? क्या खाते हैं? इधर गांव में मजदूरी करके खाते हैं और इधर गाय बकरी भेड़ होते हैं उसके साथ जाते हैं उसको सेलिंग करके. अच्छा तो चावल दाल कहाँ से आता है? रोटी रोटी इधर खरीद लाना पड़ता है. अच्छा अच्छा खरीदना पड़ता है. अच्छा फिर तो दिक्कत हुई होगी आप लोगों को. हालत हुई थी लॉकडाउन में 3 महीने. ओहो मंडी लग गई थी. हाँ हाँ अच्छा समझ रहे हैं. ठीक है तो भगवान करे आपके पास बहुत सारे गेस्ट आए. अब तो थोड़ा बीमारी कम हो रही है तो अब ठीक हो जाएगा. हाँ अब ठीक हो जाएगा तो आप लोगों के पास बहुत सारे गेस्ट आने लग जाएंगे. ठीक है तो अभी क्या ठंड बढ़ेगी क्या आपकी? ठंड अभी इधर है नहीं. ठंड क्या बढ़ेगी? अच्छा ठंड अभी नहीं है. अभी यहाँ नहीं है. हाँ हाँ गए साल बहुत थी. अच्छा बिल्कुल कम है यहाँ ठंड. अच्छा 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 ठंड भी कम हो गई है. अच्छा ठीक है ठीक है. चलिए भगवान जी का बहुत आशीर्वाद है आपको. ठीक है आप लोगों ने बहुत मेहनत की हिम्मत की. थैंक यू सो मच. ऐसे हिम्मत से रहिएगा सब अच्छा होगा. ठीक है थैंक यू जी बहुत धन्यवाद.
फिर मॉर्निंग वॉक ख़त्म करके मैंने थोड़ा रेस्ट लिया, देन वी हैड आर ब्रेकफास्ट एंड देन हम निकल पड़े जैसलमेर एक्सप्लोर करने के लिए. जैसलमेर इज़ ऑल्सो कॉल्ड द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया. यू नो वाई? बिकॉज ऑफ द येलो सैंड स्टोन दैट इज़ बीन यूज थ्रू आउट द आर्किटेक्चर ऑफ बोथ द फोर्ट एंड द टाउन बिलो. जैसलमेर इज ऑल्सो वेरी फेमस फॉर शोनार केला. शोनार केला इज अ 1971 मिस्ट्री नॉवल बाय बंगाली राइटर एंड फिल्म मेकर सत्यजीत रे. लेटर देर वॉज ऑल्सो अ मूवी मेड विद द सेम नेम एंड इन दिस मूवी डिटेक्टिव फेलुदा केम टू जैसलमेर फोर्ट दैट्स मेड अप ऑफ येलो लाइम स्टोन. दैट्स हाउ द नेम शोनार केला केम इन. So we reached the fort and then left the taxi and started walking inside the fort. Oh my god, it was so crowded. We were a bit scared also because COVID time chal raha hai, but itne sare log the wahan pe. Pura ka pura actually gaon basa hua hai Jaisalmer fort ke andar. Many people are living inside the fort. So it was a bit scary, but then we kept on having our mask. And we were very careful to not touch anything. Wow, the fort looked just grand and very golden. One thing very good I found in Rajasthan is the slogan, no mask, no entry. So every shop, every restaurant, every local places, I saw this big hoardings with this slogan, no mask, no entry. So I see all the people here in Rajasthan wearing mask. Because it was COVID time, so that's why we were not venturing out too much. It was just one Jain Mandir which looked really beautiful, the beautiful carving out there. There also there was a bit of a rush, people going inside, but then we did not go in. Humne bahar se pranam kar liya. और बहुत बहुत सुंदर चीज़ें बाहर लगी हुई हैं जैसा कि आप देख सकते हैं. Least bothered about all the shoppings and COVID. जैसलमेर फोर्ट गलियां आर शॉपर्स पैराडाइज. इतनी ब्यूटीफुल ज्वेलरी मिलती है वहाँ पे कि बस क्या बताएं. और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उन गलियों में. हम पूरी गलियों में घूमते रहे एंड इट वाज अ ब्यूटीफुल वॉक आउट देयर. एंड समबडी हैड टोल्ड अस अबाउट दिस शॉप वेयर वी कुड गेट वेरी गुड ज्वेलरी, लाइट ऑफ द ईस्ट. So we wanted to have something small, some earrings and all. My friend is also very fond of authentic silver jewelry. So we came to this shop and we bought some beautiful things out there. फिर हम निकल पड़े पटवा हवेली की तरफ. पटवा हवेली इज़ अ क्लस्टर ऑफ फाइव लार्ज हवेलीज इन जैसलमेर बिल्ट इन 1805 बाई गुमान चंद पटवा. इट टुक द वर्कर्स ऑलमोस्ट 55 ईयर्स टू कंप्लीट द फर्स्ट हवेली. विद एन इंटरेस्टिंग हिस्ट्री, पटवा की हवेली इज एक्चुअली द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट हवेली टू बी कंस्ट्रक्टेड इन जैसलमेर. Let's get more.
अब जमकर भूख लगी थी हमें, इसलिए हमें बहुत बढ़िया ऑथेंटिक राजस्थानी खाना खाना था। तो लोगों ने हमें सजेस्ट किया कि हम जाएं श्री जी एक्सीलेंसी जैसलमेर में, और हम वहां पहुंच गए। हमने ऑर्डर की राजस्थानी थाली, क्या है, सांगरी की सब्जी है। ओके, और ये पता नहीं चल रहा, हाँ ये पापड़ की सब्जी है। ओके, पापड़ मंगवा। ये दाल है। अच्छा, ये मिक्स वेजिटेबल है। ओके, कड़ी है। अच्छा, नहीं सॉरी गट्टे है। ओके, कड़ी। अच्छा, प्लेन रोटी। हाँ, बाजरे की रोटी, मिस्सी रोटी। हाँ, और लहसुन का चटनी। और ये लड्डू क्या है? लड्डू है ये मिक्स्ड। अच्छा, आटे का और उसमें बहुत सारा वो डाला हुआ है, काजू बादाम किशमिश। ओके, थैंक यू संगीता, थैंक यू। खाना खाने के बाद हम निकल पड़े गडिसर लेक की तरफ। अ मैन मेड वाटर रिजर्वॉयर, द गडिसर लेक वॉज वंस द ओनली सोर्स ऑफ वाटर इन जैसलमेर, कंस्ट्रक्टेड बाय द फर्स्ट रूलर ऑफ जैसलमेर, राजा रावल जैसल। इट इज सराउंडेड बाय टेम्पल्स एंड घाट्स। वन कैन स्पेंड सम पीसफुल टाइम इन द सीरीन सराउंडिंग्स ऑफ द लेक और चूज टू गो बोटिंग एज वेल। अगर आप जैसलमेर आए हैं और अगर आपको भूतों से प्यार है, देन डोंट मिस टू विजिट कुलधारा। यहाँ तो आपका आना बनता ही है, बिकॉज इट इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स स्ट्रेंज पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। मैनी स्टडीज हैव बीन डन एंड देर आर लॉट ऑफ स्टोरीज, यू नो, ओल्ड स्टोरीज बिहाइंड द घोस्ट्स। वन स्टोरी गोज लाइक दिस। सम 300 ईयर्स अगो इट यूज टू बी अ प्रॉस्पेरस विलेज ऑफ पालीवाल ब्राह्मण्स अंडर द स्टेट ऑफ जैसलमेर। According to the legend, the evil eyes of Salim Singh, the powerful prime minister of the state, fell on the daughter of the village head and he desired to marry her by force. He threatened the village with grave consequences if they did not adhere to his wish. Instead of submitting to the order of the tyrant, the Paliwals held a council and people of 85 villages left their ancestral homes and vanished. Just vanished. But this was not all. Before leaving, they put a curse on Kuldhara that no one will ever be able to settle in this village thereafter. To this date, the village remains barren, left almost the same as its inhabitants had left it centuries ago. It is also said that people who have tried to stay there at night have been chased away by strange paranormal phenomenon. Oh my God. So after watching all that paranormal activities, थोड़ा रेस्ट तो बनता था। सो वी केम बैक टू आर रिसोर्ट एंड देन हैड अ ब्यूटिफुल पीसफुल इवनिंग विद द फोक डांसर्स एंड फोक।